नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तुषार मंडल और आप देख रहे हैं अटल भारत समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का प्रसार अपने चरम पर है, तो वहीं लॉक अनलॉक का खेल भी चल रहा है। आज बिहार में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। बिहार सरकार ने लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए श्रमिकों और गरीब तबके के लोगों को कुछ राहत पहुंचाने का काम किया गया है। तो आइए चलिए आगे जानते हैं बिहार सरकार ने क्या क्या रियायतें दी है। सबसे पहला, सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ दोपहर के 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। सरकारी सेवाओं को छोड़कर गैर सरकारी कार्यालय अभी भी बंद होंगे। दूसरा है, सभी दुकानों और प्रतिष्ठान अल्टरनेटिव डे के अनुसार खुलेंगे। बैंक, औद्योगिक व विनिर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई कॉमर्स व कुरियर से संबंधित गतिविधियां, कृषि क्षेत्र, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि। इसके साथ ही दुकानों व प्रतिष्ठानों में मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। तीसरा जो है, अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, एम्बुलेंस सेवा से संबंधित गतिविधियां होती रहेगी। चौथा है, इसके साथ ही सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की संख्या 50% ही निर्धारित है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे व सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुली रहेंगी व केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन के, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रमों में 20 लोगों की उपस्थिति रहेगी और साथ ही डीजे व बारात जुलूस पर पाबंदी रहेगी। अगर देखा जाए तो इस 4 हफ्ते के लॉकडाउन ने बिहार में बढ़ते कोरोना केस को रोक लिया है। इसलिए बिहार सरकार ने लॉकडाउन तो 8 जून तक बढ़ाया ही है, इसके साथ साथ कुछ रियायतें भी दी है। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें अटल भारत समाचार के साथ।